गुरुदेव मुमुक्ष होकर बैठे परीक्षित को कथा सुनाने लगे। स्वर्ग से इंद्र चले आए, जो पूरे वैभव का अकेला भोगता है, जिसे रंभा उर्वशी जैसी सुंदरियों का, अप्सराओं का नित्य सुहाता नहीं है, जिसके पास अमृत है, कल्प तरु है, काम धेनु है, जो तारामंडलों और संपूर्ण नक्षत्र का एकमात्र निहारने वाला है, जल वायु तेज का जो अधिकारी है, यम वरुण कुबेर जिसके पार्षद जैसे हैं, वो आज अमृत कलश लेकर बंद अंजलि करने, प्रभु के चरणों में समर्पित करने आ गया। कहे, प्रभु आप ये ले लीजिए और मुझे कथा सुना दीजिए। वो गुरुदेव की विशेष दृष्टि के साथ कथा सुनना चाहता है। हे नाथ, आप मुझे पूरी पूरी कथा सुना दीजिए, अमृत ले लीजिए। जैसे कोई धन देके कथा का फल लेना चाहता है, वहां दान का फल तो है, अन्य जो श्रोता, जो ऐसे लोग कथा आयोजन कराने में समर्थ नहीं है कई कारण, वो उसमें सुने, वो उसका भी हिस्सेदार है। लेकिन आज इंद्र कोई अमृत से भी ज्यादा महंगी चीज लेने आया है, अमृत के बदले लेने आया है। देवताओं की भी तो स्वर्ग में बड़ी बेकार गति है। मेनका यहां 1000 वर्ष तक रही थी, ऐसा लिखा है, कुछ खा नहीं पाते देवता, केवल घी पीते हैं। इनकी हालत बड़ी बुरी है, जैसे कोई डायबिटीज का पेशेंट हो, जिसे डायबिटीज हो गई है। अब लड्डू सामने है, अब वो लड्डू को देख सकता है, उस पे हाथ घुमा ले, सहला ले, उसे गिन ले कि 12 लड्डू है, 1 लड्डू है, 10 लड्डू है, अनेक लड्डू है, पर उसे खा नहीं सकता। तो देवताओं के पास सारा वैभव है, सारी सृष्टि के पदार्थ उनके लिए हैं, पर नारायण ने उनके लिए ऐसी व्यवस्था की कि वो उनका भोग मनुष्यों की तरह नहीं कर सकते। शायद उससे मुक्त होना चाहता है। दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शनम। ये जो मानव देह है, ये इस भव सागर को पार करने की नौका है। जैसे पानी में, समुद्र में कोई नौका चलती है, उसमें छिद्र हो जाए तो डूब जाती है, और ये जो नौका है, इसमें छिद्र हैं आपकी बुराइयां, यदि तो आप अपनी इंद्रियों पर संयम नहीं कर पाए। कई लोग कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने तो हमें कुछ नहीं दिया, माता पिता ने हमें कुछ नहीं दिया, सेल्फ मेड हैं, अपने आप बने हैं। महाराज, 1 रुपया भी नहीं दिया था मैंने तो, 1100 रुपये अपने एक मित्र से उधार लिए, उससे सब खड़ा किया, माँ बाप ने कुछ नहीं दिया। तो भैया, तेरे माँ बाप ने तुझे तो दिया था, तू कहां से आया? तुझे किसी से 1100 रुपये ले सके, ये बुद्धि कहां से आई? वो तो माता पिता से मिली। और फिर कभी चिंतन ये भी हो कि माता पिता तो आपको जो दे रहे हैं वो तो दे दिया, लेकिन भैया तुम क्या छोड़ के जा रहे हो अपने आने वाली पीढ़ी के लिए? कूड़े के बड़े बड़े ढेर, ये प्रदूषित वायु जो आयु कम कर दे, ये नदियां जो आपके मैले से भरी हुई हैं,
न जाने कितनी हजारों नदियां तो इस धरती पर सूख गई, मानवों ने उनके ऊपर अपनी कॉलोनियां खड़ी कर दी, न जाने कितने तरीके के पुष्प तो नष्ट हो गए जो नजर नहीं आते, कितने पशु पक्षियों को तो मार कर लोग खा गए, उनकी तो बेचारी को पीढ़ियां खत्म कर दी। आप क्या देखे जा रहे हो? वो तो आपको ये देखे गए थे कि गंगा जी के किनारे एक लोटा ले जाना, पानी पीना और हाथ का तकिया बनाना, वहां सो जाना, बड़ी सहज नींद आएगी, ऐसा पवित्र जल छोड़ के गए थे। आप क्या छोड़ के जा रहे हो? प्रदूषित वायु, दूषित जल, छिछोरे विचार, आप भी तो कुछ छोड़ के जाओ उनके लिए जिस पे वो इतराएं आपके लिए। तो कभी ये भी अध्ययन हो कि शरीर का सदुपयोग हो रहा है कि दुरुपयोग हो रहा है। कर्म करने से मना नहीं है, आप उद्योग फैक्ट्री चलाइए, आप व्यापार करिए, आप अपने नित्य कर्म करिए, लेकिन परमार्थ के लिए भी थोड़े हिस्से रखिए, धर्म के लिए भी उसमें थोड़ा हिस्सा रखिए, थोड़ा सा हिस्सा उसमें धर्म का भी हो। परीक्षित का प्रश्न हुआ गुरुदेव से, कह हे गुरुदेव, जो मरने वाला है उसके लिए क्या करना चाहिए? उसे जब उसका अंत समय आया है तो उसे क्या करना चाहिए? बताया, अंत समय में इस प्रभु का स्मरण करना चाहिए। जब किसी के प्राण निकलते हैं, जब शरीर में से प्राण शरीर को छोड़ के जाते हैं, तो आपको आखिरी में 10-12 सांसें मिलती हैं। जब आपकी आंखें बंद होने लगती हैं, आप बिल्कुल सो जाते हैं, सांसें बंद हो जाती हैं, तब भी आपकी कोशिकाओं की भित्तियों में से, शरीर के कोटरों में से वायु निकल के आती है और आपको आभास होता है मरते समय। जब सबको लगा कि आप मर गए, उसके कुछ क्षण तक 12-13 सांसें आपको मिलेंगी अलग से, बोनस सांसें, वो नारायण देता है। और उस समय कोई आपके कान में कह दे, पास खड़ा हुआ व्यक्ति, कि आप घबराइए मत, प्रभु का स्मरण करिए, 10-20-25-50 साल बाद हम भी वहीं आ रहे हैं, पूरी वीरता के साथ वहां जाइए, ऐसा कोई पास में खड़ा हो, ऐसा कोई दुर्लभ व्यक्ति, ऐसा कोई संस्कारित, ऐसा कोई ईश्वर का भक्त पास में खड़ा हो, वो बोनस सांसें, सारा जीवन तप किया और अंत में जन्म जन्म मुनि जतन कराए, जैसे क्रिकेट का मैच खेला बहुत जोर से, 350 रन बना दिए, छक्के चौके सब मारे और एक रन से मैच हार गए, आखिरी में एक रन रह गया, पूरा जीवन भर तप किया, साधना की, दान पुण्य किया और अंत समय राम मुख आवत नाही, पूरा जन्म आपने जतन किया, प्रयत्न किया, लेकिन जो आखिरी का समय आया तो राम भूल गए, हा पुत्र, हा गाड़ी, हा घोड़ा। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव ये होगा कैसे, ये कैसे होगा? सुखदेव ने कहा, उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, यदि आप लोगों ने वो प्रयास प्रारंभ नहीं किया है तो अभी करिए, गुरु से संवाद करिए, ग्रंथ से संवाद करिए, और कोई ना मिले तो स्वयं से संवाद करिए, अपने आप से, आपके अंदर आपका गुरु बैठा है जो आपको हर समय बताता रहेगा क्या गलत है क्या सही है। यदि तो आप अभ्यासी नहीं है, यदि तो आपने अभी इस दिशा में प्रगति नहीं की है, तो आज शुरू करिए, आत्म संवाद करिए, स्वयं से संवाद, कि क्या करूं कि अंत समय राम निकले मेरे मुंह से।